लेट अस कंटिन्यू मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड मैक्सिमा मिनिमा में हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इफ सेकंड डेरिवेटिव दैट इज एफ डबल डैश एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यही सेकेंड डेरिवेटिव होता है। इफ दिस इज लेस देन जीरो, इन दैट केस जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया है दैट इज एफ एक्स इज मैक्सिमम, राइट। किसी पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा एट दैट पॉइंट। एंड इफ एफ डबल डैश एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज मिनिमम एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट एक्स वन पे अगर एक्स वन पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू, सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। एंड इफ एट एनी पॉइंट एक्स टू एफ डैश एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू कम्स पॉजिटिव तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, करेक्ट। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स। प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वेयर, करेक्ट। ओके, इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए पी डैश एक्स विल बी माइनस ऑफ 72 माइनस 36 एक्स, ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। नाउ पुटिंग पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। माइनस 36 एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस ऑफ 36 भी कॉमन ले लें, सो इट इज एक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज माइनस 36 एक्स माइनस 36, सो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड दैट गिव्स एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। क्या मिल गया यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, राइट। लेट अस सी नाउ सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 36, राइट। एंड पी डबल डैश एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, वो भी सेम ही रहेगा, माइनस 36 ही रहेगा। दिस इंप्लाइज पी एक्स इज सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, और मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है इन दैट केस पी एक्स इज मैक्सिमम, राइट। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमम। सो पी एक्स इज यानी कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अपने आप में बड़ा अजीब सा रिजल्ट है कि प्रॉफिट फंक्शन है, राइट, और एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब कोई भी कंपनी माइनस टू आइटम कैसे प्रोड्यूस कर सकती है, राइट, बट इट इज अ मैथमेटिकल रिजल्ट, क्योंकि फंक्शंस को ये सोच के डिफाइन नहीं किया गया था कि फंक्शन एक्चुअली क्या है, इसलिए इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है। ओके,
So profit will be maximum where tax is equal to minus 2, right? अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट. सो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी पी ऑफ माइनस टू. मैक्सिमम प्रॉफिट पी ऑफ माइनस टू. सो इट इज 41 माइनस 72 इंटू माइनस टू रखेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा क्योंकि माइनस वहां पर पहले भी है. माइनस 18 इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर. सो एक्स के जगह आपको रखना है माइनस टू. सो इट इज 4 राइट. 41 प्लस माइनस 72 विच इज इक्वल टू 41 प्लस 72 दैट इज 113. दिस विल बी प्रॉफिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट. देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज मैक्सिमम प्रॉफिट एट x is equal to 2 is x is equal to minus 2. x is equal to minus 2 is 113. Correct? Okay. Let us see next question. And next question is question number 7. Y is equal to 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. Correct? Find both maximum and minimum value of this function on interval. Interval हमें given है 0 to 3. 0 से 3 के इंटरवल पे इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट इट. सो इफ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू एक्स 4 का डेरिवेटिव करेंगे. सो इट विल बी 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर. So 3 8 is 24 x square minus x square ka derivative again 2x. So it is 24 x minus 48. As it is 48 x ka derivative hoga 48. This is dy by dx. And for finding critical points, hum dy by dx ko 0 ke equal put karenge. So 12 yahan se common le lete hain. This is x cube minus 2x square plus 2x minus 4. Correct? Yeah, okay. For maxima or minima, for maxima or minima, minima dy upon dx will be 0. Isko 0 put karna hai. So, इसको जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट. बाय हिट एंड ट्रायल अगर हम इसका एक रूट फाइंड करें, सो पहले आपको जीरो पुट करके देखना है, फिर आप इसमें 1 x के जगह 1 पुट करेंगे, अगर वो भी नहीं आता है तो माइनस वन पुट करेंगे, देन टू पुट करेंगे एंड देन माइनस टू एंड सो ऑन. इस टाइप से हम पुट करते जाएंगे. अगर इसमें आप एक्स को टू पुट करेंगे तो टू इसका एक जीरो आ रहा है. इफ एक्स इज इक्वल टू टू एट एक्स इज इक्वल टू टू, 12 इंटू दिस इज 8 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 जीरो बन रहा है. This implies x is equal to 2 is a root of this function. Implies x minus 2. X is equal to 2 इसका root है. इसलिए x minus 2 is इसका एक factor होगा. Is ये सब आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. आपने यहाँ लिख दिया x is equal to 2 से ये 0 बन रहा है. So x minus 2 इसका एक factor होगा.
इसलिए आप इसको x माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए। x माइनस टू से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करना है, इसका फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस दिस, सो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस फोर। इसको आपने x माइनस टू से डिवाइड किया, सो x पे डिवाइड होगा, सो इट इज एक्स स्क्वेयर से एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सो टू एक्स माइनस फोर इज लेफ्ट आउट। सो ये हमें डिवाइड करना होगा एट एक्स इज इक्वल टू टू, सो इट इज टू एक्स माइनस फोर, राइट, इस टाइप से। सो एक्स माइनस टू इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस, सॉरी, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इंटू, ये हमारे पास आया एक्स स्क्वेयर प्लस टू, सो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू विच इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वेयर प्लस टू से तो हमारे पास कोई एक्स की रियल वैल्यू आएगी नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस टू कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। सो जो पहले एक्स इज इक्वल टू टू हमारे पास एक पॉइंट आया हुआ था, वही एक पॉइंट रहेगा, कोई नया पॉइंट यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट। अब हमें देखना है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन क्लॉज इंटरवल 0 to 3, यानी कि फंक्शन के हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी कहाँ कहाँ पर, 0 पे, 3 पे और जो क्रिटिकल पॉइंट आया वहाँ पर, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो हम हमारे लिए क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ जीरो। अगर फंक्शन में एक्स की जगह जीरो डाला जाए तो बाकी सारे टर्म जीरो आ जाएंगे, सिर्फ 25 बाकी बचेगा, सो एफ जीरो आएगा हमारे पास 25। इसी तरह से फंक्शन में अगर आप एक्स के जगह टू डालते हैं, टू, राइट, सो ये होगा 3 × 2 to the power 4, राइट, 2 to the power 4, 16 × 3 = 48 माइनस 2³ × 8, 2³ is 8 × 8 -64 माइनस दिस वन 2² 4, सो दिस इज 48 प्लस 48 माइनस एक्स की जगह 2 डालना है, सो इट इज 96 प्लस 25, ठीक है, ये हमारे पास आया। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए तो ये आएगा हमारे पास माइनस ऑफ 39। एंड इसी तरह से अब हमें एफ ऑफ 3, क्योंकि इंटरवल के एंड इंटरवल दिया हुआ था हमें 0 to 3, सो इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। डालिए जरा आप, एक्स की जगह आपको 3 पुट करना है, सो इनिशियली इनिशियली 3 × x 4 था, सो 3 × x 4 क्या हो जाएगा, x 4, 3 to the power 4, दैट इज 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 243, राइट। अच्छा, फिर आपको ए माइनस 8x³, एक्स क्यूब एक्स हमने 3 डाला है तो 27 हो गया, 27 8 जा, राइट, दिस इज 216, देन 12x², सो 3² 9, 9 + 108 माइनस, आगे है माइनस 48x, सो 48 × 3 दैट इज 144 एंड प्लस 25, राइट, 25 कैलकुलेट होके ये हमारे पास आएगा 17, राइट। सो अब अगर हम एफ जीरो को देखते हैं दैट इज 25, एफ टू को देखते हैं दैट इज -39, एफ थ्री को देखते हैं इट इज 17, ठीक है।
इन तीनों में जो लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है? -39। लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? -39। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -39 एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये मिनिमम वैल्यू होगी। सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू है 25। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 25 एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 25। और कहां पर होगी? वो 0 पे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑफ द इंटरवल, इंटरवल हमें गिवन है 0 से 2 पाई, डज द फंक्शन 2 साइन 2x अटेन्स मैक्सिमम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन हमें दिया हुआ है fx, fx इज व्हाट? साइन 2x। किस पॉइंट पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, fx इज इक्वल टू साइन 2x हमारा फंक्शन है। सबसे पहले f डैश x फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा? साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x इंटू 2। पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, राइट, एम्प्लाइज साइन 2x इज इक्वल टू 0। अगर साइन 2x 0 है, सो 2x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 2x will be साइन कहां कहां पर 0 होता है? एक तो साइन 0 पे 0 होता है, एक मिनट, एफ डैश एक्स तो कॉस 2x था, सो इसको 0 पुट करना है। सो यहां से जब 2 कॉस 2x को 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये देखना है कि कॉस कहां कहां पर 0 होता है। ठीक है, एक तो कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, तो 2x क्या बन गया हमारा? अच्छा, एक चीज और, यहां पर x का इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में दिया है, 0 इज लेस देन x लेस देन 2 पाई, क्लोज इंटरवल। दिस इंप्लाइज अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू 4 पाई। 2x की जो वैल्यू होगी वो 0 से 4 पाई के बीच में रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। सो 2x की जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, दोज विल बी इन बिटवीन 0 टू 4 पाई। जो पहला पॉइंट है जहां पर कोस 0 होता है, दैट इज 90 डिग्री पाई बाई 2। सेकेंड पॉइंट जहां पर कोस 0 होता है, 270 डिग्री 3 पाई बाई 2। थर्ड इज 5 पाई बाई 2 एंड नेक्स्ट इज 7 पाई बाई 2। ये चार पॉइंट ऐसे हैं जहां पर 0 से 4 पाई के बीच में फोर पॉइंट ऐसे हैं जहां कोस 0 होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? दिस इंप्लाइज आइदर x इज इक्वल टू, क्या होगा x? x विल बी पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। x आपका क्या होगा? पाई बाई 4 होगा, 3 पाई बाई 4 हो सकता है, 5 पाई बाई 4 हो सकता है एंड 7 पाई बाई 4 हो सकता है, करेक्ट। देखो जरा, सो इंटरवल के दो पॉइंट और दिए हुए हैं, 0 एंड 2 पाई। हमें फंक्शन की क्या फाइंड करना है? एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई द फंक्शन साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे हम वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन की। सबसे पहले आप 0 पे, जो इंटरवल का बिगिनिंग पॉइंट है, 0 फाइंड करते हैं। सो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन हमारा साइन 2x, साइन 0 क्या होता है? 0, तो यहाँ 2x अगर डालते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा? 0, राइट। फिर हम पाई बाई 4 पे वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ ऑफ पाई बाई 4। सो व्हाट विल बी एफ पाई बाई 4? साइन ऑफ
टू इंटू पाई बाई फोर, तो ये साइन पाई बाई टू हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन। ठीक है, नाउ हम फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट थ्री पाई बाई फोर। थ्री पाई बाई फोर को जब आप एक्स के जगह डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू बन जाएगा, क्योंकि यहाँ टू एक्स है। सो आपके पास आएगा साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू, और साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है, माइनस वन। साइन थ्री पाई बाई टू इज माइनस वन। नेक्स्ट, एफ ऑफ फाइव पाई बाई फोर, एक्स के जगह आपको फाइव पाई बाई फोर डालना है, इसलिए टोटल एंगल टू एक्स आपका बनेगा फाइव पाई बाई टू, एंड साइन फाइव पाई बाई टू। साइन फाइव पाई बाई टू, देखिए जरा, पाई बाई टू यहाँ पर रहता है एंड थ्री पाई बाई टू यहाँ होगा। दिस इज पाई बाई टू, दिस इज थ्री पाई बाई टू, दिस इज फोर, एंड दिस वन इज फाइव पाई बाई टू। फाइव पाई बाई टू यहाँ आएगा, एंड इन दोनों ही क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है, सो साइन फाइव पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, वन। राइट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेवन पाई बाई फोर। एक्स के जगह सेवन पाई बाई फोर डालेंगे, एक्स के जगह अगर सेवन पाई बाई फोर डालेंगे तो ये सेवन पाई बाई टू हो जाएगा, एंड साइन ऑफ सेवन पाई बाई फोर दैट इज सेवन पर, हाँ, साइन ऑफ सेवन पाई बाई टू, साइन सेवन पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड एंड फोर्थ की बाउंड्री लाइन पे। सो साइन ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन। नाउ फंक्शन की जो लास्ट पॉइंट था, इंटरवल का जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ था, दैट इज टू पाई। इफ एफ ऑफ टू पाई फाइंड किया जाए, साइन फोर पाई बनेगा यहाँ पर, साइन क्या बनेगा, साइन फोर पाई दैट इज जीरो। सो कुछ वैल्यूज हमारे पास आई हैं, एक जीरो है, एक वन, एक माइनस वन, माइनस वन, वन, जीरो। थ्री वैल्यूज हमारे पास आई हैं, जीरो, वन, माइनस वन। तो सबसे कम वैल्यू तो माइनस वन है। सो फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ, वैसे क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम पूछा है, हम दोनों ही बता देते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स या साइन टू एक्स, एफ एक्स इज माइनस वन एट कौन कौन से पॉइंट पे, माइनस वन, एक तो थ्री पाई बाई फोर पे है और एक सेवन पाई बाई फोर पे है। ठीक है, थ्री पाई बाई फोर एंड सेवन पाई बाई फोर, इन दो पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू है। सेकंड, मैक्सिमम जो क्वेश्चन में पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज वन एट, वन कहाँ कहाँ पर है, एक तो वन वैल्यू है पाई बाई फोर पे, एंड सेकेंड है फाइव पाई बाई फोर पे, एट पाई बाई फोर एंड फाइव पाई बाई फोर, इन दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, और वो कितनी है, वन। ठीक है, इस टाइप से, करेक्ट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन इज फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, नहीं, क्वेश्चन नंबर टेन पर रीड कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एफ एक्स फंक्शन आपको गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। इंटरवल नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इंटरवल हम क्या लेंगे, जीरो से टू पाई का। अगर इंटरवल आपको गिवन नहीं है तो इंटरवल आपको जीरो से टू पाई लेना है। इंटरवल हो गया हमारा जीरो टू टू पाई। एफ डैश एक्स, व्हाट इज एफ डैश एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स। ऑल राइट, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स को क्या करना है, जीरो पुट करना है। सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको जीरो पुट करने से हमारे पास आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दैट विल गिव यू टेन एक्स इज इक्वल टू वन।
दैट गिव्स यू 10x इज इक्वल टू 1। अगर 10x इज इक्वल टू 1 को हम देखें तो टेंजेंट 1 कहाँ कहाँ पर होता है, 0 से 2 पाई के क्वाड्रेंट में टेंजेंट कहाँ कहाँ पर 1 होगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पाई बाई 4 पे टेंजेंट 1 होगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी दैट इज पाई बाई 4, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी दैट इज 5 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, करेक्ट। दो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास यहाँ से आए हैं, माइनस दिस इज 0, दिस इज 2 पाई। इनके बीच में दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले हैं, कौन कौन से, एक तो है पाई बाई 4 एंड सेकेंड इज 5 पाई बाई 4, करेक्ट। देखो जरा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये यहां पर पॉजिटिव होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पाई बाई 4 इज 45, ये 45 डिग्री है यहां पर, इससे छोटा पॉइंट लिया आपने 30 डिग्री, 30 डिग्री को आपने यहां पर पुट किया, कॉस 30 दैट इज रूट 3 बाई 2 माइनस साइन 30, साइन 30 इज 1 बाई 2, सो इट इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि रूट 3 बड़ा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिव लगा, साइन चेंज करते रहिए, सो इट इज माइनस एंड दिस इज अगेन प्लस, राइट। वैसे ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड नहीं करना, आपको फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो डायरेक्टली आप दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं और दो इंटरवल के एंड पॉइंट हैं, इन पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए। सो पहला पॉइंट है f0 अगर आप इसमें फंक्शन में पुट करते हैं, सो इट विल बी साइन 0 एंड कॉस 0 इज 1, सो इट इज 0 प्लस 1, सो इट इज 1। देन सेकेंड पॉइंट इज पाई बाई 4, f पाई बाई 4 यहाँ डालेंगे, फंक्शन में डालना है, कुछ बच्चे बाई कन्फ्यूजन एफ डैश एक्स में डाल देते हैं, एफ डैश एक्स में नहीं, एफ एक्स में डालना है। सो साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 इज ऑल्सो 1 बाई रूट 2, सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 एफ ऑफ देन 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4, साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2, ठीक है। अच्छा, माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4 दैट इज ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस इज नेगेटिव, सो इट इज माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, माइनस ऑफ रूट 2। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है वैल्यू एट इंटरवल का जो लास्ट पॉइंट है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई पे वैल्यू फाइंड करनी है। सो एफ ऑफ 2 पाई साइन ऑफ, पहले फाइंड करेंगे साइन ऑफ 2 पाई दैट इज 0 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस 2 पाई इज 1, सो ओवरऑल इट इज 1। अब देखिए, एक वैल्यू हमारे पास 1 आई है, एक रूट 2 है, एक माइनस रूट 2 है एंड दिस इज 1। सबसे बड़ी वैल्यू रूट 2 है एंड सबसे कम वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ रूट 2। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम तो पूछा ही नहीं है, राइट। दिस इंप्लाइज मैक्सिमम वैल्यू इज रूट 2 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, करेक्ट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि ये वीडियो पहले ही हाफ एन आवर की हो चुकी है, शायद आप बोर हो जाएंगे ज़्यादा लंबी देख के, ठीक है।